अदरवाइज अगर फॉर एग्जाम्पल टाइम ईयर्स में नहीं भी होता तो आपको उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना होता है. थर्ड थिंग इज स्मॉल आर विच इज रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट जो है हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा तो आपको उसको 100 से डिवाइड करके लिखना होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 8% इंटरेस्ट रेट है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.08. ठीक है. फिर इन द एंड आई कैपिटल आई रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट अमाउंट. इससे आपके पास ये आएगा कि एक प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका अमाउंट क्या है, ये चीज आ जाएगी. अच्छा द सेकेंड फॉर्मूला इज द टोटल अमाउंट. अच्छा टोटल अमाउंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट. इसका जो सम होगा यानी इसको ऐड करके जो आएगा दैट विल बी नोन एज द टोटल अमाउंट. खैर इसका फिर भी हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया यहाँ पे. और इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट. पी ब्रैकेट में 1 प्लस एन आर. पी क्या चीज है आपको बता दी है प्रिंसिपल अमाउंट. एन क्या चीज है आपको बता दी है ईयर्स यानी टाइम. आर जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है विच विल बी इन परसेंटेज तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से. नाउ ये एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम. ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है. इसमें पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइक फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट तो इसमें आ जाएगा कैपिटल आई. ऑन रुपीज 4000 ये हो जाएगा कैपिटल पी. For 3 years, time in years is represented by n. At 5% per annum, तो ये 5% per annum जो है वो क्या है r की वैल्यू. तो हम लोग पहले डेटा बना लेते हैं. देखें आपको क्या फाइंड आउट करना है, i आपको फाइंड आउट करना है, अननोन है. दूसरी चीज क्या है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि कितना है रुपीज 4000. उसके बाद हमारे पास आ रहा है टाइम, n कितना हो जाएगा 3 years. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्मॉल आर दैट इज 5% और आपको मैंने बताया 5% को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.05. अब आपको क्योंकि कैपिटल आई मालूम करना है, कैपिटल आई का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिया था आई आर. इसमें आई फाइंड आउट करना है. कैपिटल पी की वैल्यू है 4000, एन की वैल्यू है 3 और स्मॉल आर की वैल्यू है 0.05. तो पहले आप एक काम करें इस आपके पास कोशिश करिएगा कि ये जो ओरिजिनल कैलकुलेटर होता है ये आपके पास होना चाहिए. अच्छा किस तरीके से पता लगता है कि भाई ओरिजिनल कैलकुलेटर मॉड का बटन जब आप प्रेस करते हैं तो इसके अंदर 8 ऑप्शन आते हैं. ये बहुत यूजफुल कैलकुलेटर है. किस तरीके से हम एक वीडियो लेक्चर इसके ऊपर भी बनाएंगे हाउ टू यूज द कैलकुलेटर. ठीक है जी. तो इसमें ये तो सिंपल कैलकुलेटर में भी हो जाएगा कैलकुलेशन. 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फिर हम लोग 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 600. 600 इज द इंटरेस्ट अमाउंट. यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने रुपीज 4000 3 साल के लिए 5% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे बैंक में रखवाए तो आपको जो ऊपर से जो अमाउंट मिल रहा है जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है अमाउंट वो कितना मिल रहा है. इंटरेस्ट अमाउंट इज रुपीज 600. तो ये बस इनिशियल जो बेसिक्स हैं इंटरेस्ट की वो आपके सामने मौजूद है. इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मतलब कि इसमें 3 चीज़ें आप देख रहे हैं 4 चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल्स टू बी एन आर आई जो कि क्या चीज है इंटरेस्ट अमाउंट. पी प्रिंसिपल अमाउंट. एन टाइम इन ईयर्स. आर इंटरेस्ट रेट. 4 चीजें इनमें से कोई सी भी 3 चीजें गिवन हो सकती हैं और कोई सी भी एक चीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती है. तो थोड़ी देर के बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं कि और क्या क्या हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर टाइम मालूम करने के लिए बोला जाए तो बेसिक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से बेसिक अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है. तो थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं उसके अंदर हम लोग जो है वो आगे की बातें शेयर करेंगे आपसे.